नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स और अमीनो अम्ल, देखो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो डेफिनेशन में क्या है, अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच कंटेन अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड एन एलिकिल ग्रुप। अमीनो एसिड्स कंटेन फर्स्ट अमीनो ग्रुप, सेकेंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड एल्किल ग्रुप। दिस ग्रुप अटैच्ड विद अ सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल, विद सिंगल कार्बन सिंबल, मतलब अमीनो एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक अमीनो ग्रुप होगा मतलब NH2 ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा मतलब COOH ग्रुप होगा और एक एल्किल ग्रुप होगा। एल्किल मीन्स R ग्रुप, R में जैसे CH3 हो सकता है, C2H5OH हो सकता है। ये तीनों किससे जुड़े होंगे, एक सिंगल कार्बन से। ये सिंगल कार्बन है, इसकी वैलेंसी चार होती है। एक तरफ जोड़ दिया COOH ग्रुप, एक तरफ जोड़ दिया NH2 या H2N एक ही बात है, एक तरफ जोड़ दिया R ग्रुप और यहां पे होता है हाइड्रोजन। देखो आपने पढ़ा होगा कि अगर एक ही कार्बन से, यह एक ही कार्बन की चारों वैलेंसी जो होती है, इन चारों वैलेंसी पे अलग अलग अगर ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या किरेल कार्बन। तो इसे क्या बोलेंगे अपन, इस कार्बन को किरेल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, जिसपे चारों वैलेंसी पे चार अलग अलग ग्रुप हो। ठीक है, यहां पर COOH ग्रुप अलग है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, H2N ग्रुप या NH2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है और एक ये ग्रुप है एल्किल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बन एसिमेट्रिक होता है तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव, ध्रुवण घूर्णकता जिसे बोलते हैं हिंदी में, ध्रुवण घूर्णकता वो शो करते हैं। कौन से, मतलब हम बोल सकते हैं देखो ये अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है और अमीनो एसिड होता है 20। तो यहां पर जो ये वाला ग्रुप R ग्रुप, ये डिफरेंट होता है इन ईच अमीनो एसिड। टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं 20, 20 अमीनो एसिड होता है। 20 अमीनो एसिड पे ये R ग्रुप ही चेंज होगा, बस यही चेंज होता है, बाकी ये जो स्ट्रक्चर है सब में वो सब में सेम रहेगी। ठीक है, मतलब सारे अमीनो एसिड में 1, 2, 3 ये तो अलग अलग सेम रहेंगे, R ग्रुप चेंज होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, R ग्रुप मतलब H हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 कुछ भी, मतलब R में एल्किल ग्रुप, आप समझते हो केमिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, तो एल ग्रुप R ग्रुप क्या होता है समझ जाओगे आप। ठीक है, तो यहां पर ये चेंजेस आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अगर ये एच ग्रुप अगर होता है यहां पर, तो इधर भी एच है इधर भी एच है, दोनों ग्रुप सेम हो गए। ये होता है, ये किस में होता है, ये होता है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसके अंदर एच ग्रुप होता है R की जगह। ठीक है, और इसमें दोनों क्या होता है सेम हो गए, ये तो अलग है लेकिन ये भी सेम हो गया, इसलिए
ये ध्यान रखना एक्सेप्शनली, ये क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो हम कह सकते हैं ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक अपवाद है, इसके अलावा सारे अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव या ध्रुवण ग्रुवणक होते हैं। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा अमीनो एसिड एक्चुअल में होता क्या है। देखो एक्चुअल में अमीनो एसिड होता है, इसकी स्ट्रक्चर अभी जो हमने बनाई है वो ऐसी नहीं होती। जैसे अभी हमने बनाया ये वाला स्ट्रक्चर एच सी ओ ओ एच एच टू एन और आर, तो ये एक्चुअल में ऐसा ना होके ऐसा होता है, आयनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में होता है या फिर इस वाले फॉर्म में होगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना अगर NH2 ग्रुप, ये वाला ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो इसे बोलेंगे हम N, कैपिटल N अमीनो एसिड, कैपिटल L। और ये कौन सा है कैपिटल D, क्योंकि ये किधर आ गया अमीनो ग्रुप राइट साइड में, कैपिटल D अमीनो एसिड। तो ये ध्यान देने लायक बात है, दिस इज स्टेबल फॉर्म एंड एग्जिस्ट इन प्रोटीन या एग्जिस्ट इन नेचर। प्रोटीन के अंदर सिर्फ एल अमीनो एसिड ही पाए जाते हैं, डी अमीनो एसिड नहीं होता है। मतलब ये फॉर्म क्या है अनस्टेबल है, मतलब आपको मिलेगी नहीं, ये बन तो जाएगी लेकिन एक्चुअल में आपको मिलेगी नहीं। मिलेगी कौन सी आपको, ये वाली। इसमें देखो दोनों चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसलिए अमीनो एसिड्स को हम बोलते हैं क्या जिविटर आयन और एम्फोटेरिक नेचर। मतलब अमीनो एसिड पे दोनों का मतलब क्या है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो। अगर दोनों चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी है अमीनो एसिड में, नेगेटिव चार्ज भी है, तो उसे हम बोल देंगे ज्विटर आयन या एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल विद एम्फोटेरिक नेचर। तो आपके समझ में आ गया डी अमीनो एसिड क्या होता है, एल क्या होता है, एल में राइट हैंड साइड में क्या होगा ये एमिनो ग्रुप होगा, बस ये ध्यान देना है। तो इसे हम बोलते हैं ज्विटर आयन। आगे हम चले अमीनो एसिड में, यहाँ पे ध्यान देना जो सी ओ ओ एच ग्रुप है और NH2 के बीच में बॉन्डिंग आज चला, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब प्रोटीन पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं। अमीनो एसिड को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस इन बॉडी, किसके आधार पर हमारे शरीर में उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके आधार पर हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल अमीनो एसिड होता है 20, ये ध्यान रखना टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं 20। 20 में से कुछ तो होते हैं असेंशियल या आवश्यक, नॉन इसेंशियल मतलब अनावश्यक, और तीसरा कौन सा है सेमी एसेंशियल। मींस ये ऐसे हैं जो जिनकी जरूरत होती भी और नहीं भी होती, मतलब बीच इंटरमीडिएट होती है लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती, अनावश्यक भी नहीं है आवश्यक भी नहीं, दोनों का बीच का है। देखो असेंशियल किसे कहेंगे, असेंशियल मीन्स जो आवश्यक है, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते,
दीज अमीनो एसिड्स नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते, मतलब हमें जरूरत होती है फूड में, नीड इन फूड। हम जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन में अमीनो अम्ल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो रहे और हमें बाहर से चाहिए, इसलिए आवश्यक या एसेंशियल है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है। समझ में आ गया होगा, सिंथेसाइज इन आवर बॉडी मतलब हमें फूड में जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड इन फूड। यहाँ पे नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत तो है, लेकिन वो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बन जाते हैं, इसलिए बोलेंगे हम नॉन एसेंशियल, ठीक है। एसेंशियल मतलब जिनकी जरूरत तो है ही लेकिन हमारी बॉडी में नहीं बनते, उनको हमें भोजन के थ्रू चाहिए होता है। सेमी एसेंशियल क्या है, सिंथेसाइज्ड, ये ध्यान रखना, इन बॉडी, बॉडी में सिंथेसाइज होता है बट नॉट इन सफिशियंट अमाउंट। जितनी जरूरत होती है उतना सिंथेसाइज नहीं हो पाता, ठीक है, जितनी जरूरत होगी उतना सिंथेसाइज नहीं होगा, तो इसकी हमें जरूरत होगी नीड इन फूड और रिक्वायर्ड इन फूड। समझ में आ गया, असेंशियल, नॉन असेंशियल और सेमी एसेंशियल, तीनों का मतलब आप समझ जाओ। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड का मतलब नाम दे देंगे और नाम देने के बाद में ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा एसेंशियल है कौन सा नॉन एसेंशियल है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, ये ही याद रखना, ये याद हो जाएगा तो बाकी ये वाले होंगे, ये इसमें काउंट हो ही जाएगा, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है जो बनाई गई है मेरे थ्रू, मेरे द्वारा, टीवी इल पीएमटी मतलब टीवी क्या कर रही है, पीएमटी को बीमार कर रही है, जितना हम ज्यादा टीवी देखेंगे उतना ही ज्यादा हम एग्जाम से दूर जाएंगे, पीएमटी हो ही नहीं सकते अगर टीवी देखो करते, ठीक है, ये सेंटेंस तो याद हो ही जाएगा। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद भी रहे, ठीक है, तो ये ट्रिक आप जिंदगी में कभी भूलोगे ही नहीं। अब बात समझना क्या है इस ट्रिक का मतलब, टी मतलब थ्रियोनिन, वी मतलब वेलिन, आई एल एल इल आइसो ल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन, इसके बाद पीएमटी फिनाइल एलिनिन, एन मीन्स मिथियोनिन, टी मीन्स ट्रिप्टोफैन। देखो ये कितने अमीनो एसिड है, 8 अमीनो एसिड है, और 8 अमीनो एसिड्स के अंदर आपको पता लग गया कि टीवी इल पीएमटी मतलब, टी मतलब थ्रियोनिन। आगे हम इन सब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो सिर्फ हम नाम ही पढ़ रहे हैं। 20 अमीनो एसिड में 8 तो क्या है, 8 क्या है असेंशियल, 2 है नॉन असेंशियल जिसका नाम है आर्जिनिन और स्टिडिन, यहाँ पे याद हो ही जाएगा, आर्जिनिन पहला और दूसरा स्टिडिन, बाकी जो बचे हुए हैं वो इसमें है, तो आपको ये पढ़ने की वजह जरूरत नहीं है रिमेनिंग की कौन कौन से हैं, ठीक है, बस ये याद रख लो, 2 याद रख लो, ये तो याद रह ही जाएंगे दोनों जो है, उसके अलावा ये वाला जो है ये याद हो ही गया आपको, थ्रियोनिन वेलिन आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन फ्लाइनिलिन मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन,
ये हो गए कितने, 5 अमीनो एसिड, सॉरी 8 अमीनो एसिड, बाकी जो बचे 10 वो ये है, कितने हैं ये 10, 8 कितने हैं ये वाले, 2 कितने हैं ये वाले। तो आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, जो 20 अमीनो एसिड हैं उनका केमिकल स्ट्रक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं और वही आपको याद हो गया तो ज़्यादा मतलब वो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अमीनो एसिड में इतना ही एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप को अगर लेक्चर पसंद आए, हमेशा बोलता हूँ, हमेशा की तरह आज ही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर वास्तव में पसंद आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर्स को शेयर करिए, व्यू करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।